आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान रे बीच मुकाबलो वेला, हालांकि मैच रे दौरान बारिश वह सके है। अबे ताणी वर्ल्ड कप रा सगड़ा मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान रे खिलाफ जीत मिली है। आज रा मैच में रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली माथे बल्लेबाजी री खास जिम्मेदारी वेला। तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे, उनके साथ एक बार फिर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए भुवनेश्वर कुमार को मौका मिल सकता है। मिडिल ओवरों में पाकिस्तान की रन गति को थामने और विकेट निकालने का जिम्मा एक बार फिर स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल पर होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत देने का जिम्मा इमाम उल हक और फखर जमा पर होगा। बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और टीम के कप्तान सरफराज आलम टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं। इनके अलावा अनुभवी शोएब मलिक मुश्किल की स्थिति में टीम को उबारने की काबिलियत रखते हैं, हालांकि उनका फॉर्म ज्यादा अच्छा नहीं है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों का लय में लौटना टीम के लिए अच्छी खबर है। अनुभवी वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर के साथ हसन अली की कोशिश भारतीय शीर्ष क्रम में जल्दी सेंध लगाने की होगी। स्पिन विभाग का जिम्मा शादाब खान और मोहम्मद हफीज संभालेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये भारत के हक में है। अब तक विश्व कप में जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, बाजी भारत के हाथ लगी है, यानी 6 के 6 मुकाबले भारत ने जीते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैनचेस्टर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस मैच में भी बारिश खलल डाल सकती है। ऐसे में इस बेहद अहम मुकाबले के लिए टॉस भी बेहद अहम रोल निभा सकती है।